गाइज, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एक सबमरीन मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि एक सबमरीन खरीदने के लिए, वो फाइनली देखो गाइज, मेरे पास एक स्टार शेप वाली सबमरीन आ चुकी है और इसके साथ रिमोट नहीं मिलता है। इसको ऐप से कनेक्ट करके फोन से हम लोग कम्प्लीटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका नाम है ऐप कंट्रोल वायरलेस स्पाई बोट, यानी कि आप इसको यूज करके स्पाई वगैरह भी कर सकते हो। आप इसको तालाबों में चला सकते हो या फिर स्विमिंग पूल में भी चला सकते हो। ये इसका ऐप है, यहाँ पे इसका QR कोड दिया गया है। ऐप को मैं फोन में डाउनलोड करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये हमारी स्टारफिश सबमरीन बोट है। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक डोम जैसा कुछ दिया गया है, नीचे इसके कैमरा होता है, यहाँ पे इसके दो प्रोपेलर्स दिए गए। तो फटाफट से गाइस आज इसको अनबॉक्स करके मैं पानी के ऊपर चला के बताने वाला हूँ। देखते हैं ये सबमरीन बोट किस तरीके से काम करती है। तो गाइज अब ये बॉक्स को मैं ओपन करने वाला हूँ। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारी सबमरीन बोट स्टार शेप में बनी हुई है कम्प्लीटली। लुक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने आज से पहले इस तरीके की बोट या फिर इस तरीके की सबमरीन बिल्कुल भी नहीं देखी यार। डिज़ाइन वगैरह एकदम कड़क है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। नीचे है यहाँ पे इसका HD कैमरा, यानी कि पानी के अंदर की चीज़ें यहाँ से हम लोग फ़ोन के अंदर देख भी सकते हैं। ये दिख रहा है ना गाइस, यहाँ पे इसका कैमरा है, आप देख सकते हो। बाकी आज इसकी क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से चलता है। ये इसके प्रोपेलर्स हैं, यहाँ पे एक प्रोपेलर है, यहाँ पे एक प्रोपेलर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इसको मैंने बैंगलोर से खरीदा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अगर आप चाहे तो खरीद सकते हो। ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ होने के कारण नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे होल्स दिए गए हैं ताकि इसके अंदर पानी जाकर ये थोड़ा सा स्टेबल तरीके से चल सके। अब इसके अंदर एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगी, ये वाटर प्रूफ है या फिर नहीं मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो अब इसका ऐप मैं दिखाने वाला हूँ, इसको ऐप से किस तरीके से कनेक्ट करना है। अब ये इसका ऐप है, मैंने मेरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लिया। इसका नाम है आई स्पाई टॉयज। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। हमारे पास जो मॉडल है ये वाला है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके सारे सेटिंग्स आ चुके हैं। यहाँ से मैं इसको आगे पीछे करके चला सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं लेफ्ट राइट करके चला सकता हूँ। अभी देखो यार, यहाँ पे लॉस कनेक्शन रिकनेक्टिंग बोल के दिखा रहा है। जब मैं इसको पानी के ऊपर रखूंगा, नीचे की तरफ बहुत सारे सेंसर्स दिए गए हैं, तब ये ऑन होगी। यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से फोटोज वगैरह ले सकते हैं। इसके अंदर जायरो सेंसर भी दिया गया है, यहाँ से जायरो सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से बोट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसके वाईफाई का सिग्नल यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पे बैटरी का सिग्नल दिखाई देगा। तो ओवरऑल यहाँ से आप इसकी स्पीड वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी इसको थोड़ा सा पानी में भी मैं आपको चला के बताने वाला हूँ। उससे पहले आज इसके साथ फाइट कराने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें लाया हूँ वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मेरे पास चार डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक 3-in-1 बोट है, आप इसको हवा में भी उड़ा सकते हो, पानी पे भी चला सकते हो और जमीन पे भी चला सकते हो। ये एक स्टिंगरे फिश है, आपको पता होगा इस ये कितनी मस्त तरीके से पानी के ऊपर तैर सकती है। ये हमारी एक बेबी क्रोकोडाइल और ये हमारा बायोनिक स्नेक। तो बायोनिक स्नेक को ओपन करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ये स्नेक दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई देता है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये स्नेक 3 अलग अलग पार्ट्स में आता है गाइस, जैसे कि देख सकते हो। इनको सभी को जोड़ के एक बायोनिक स्नेक हम लोगों को बनाना पड़ता है। यहाँ पे है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट की क्वालिटी सच में यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। यहाँ पे 2 जॉयस्टिक्स है, यहाँ पे 2 बटन्स है, ऊपर की तरफ 2 ट्रिगर्स है बायोनिक स्नेक को कंट्रोल करने के लिए। ये स्नेक कम्प्लीटली पानी के ऊपर एक फिश के जैसे ही तैर सकता है। अभी इसको फटाफट मैं जोड़ के एक बार दिखा देता हूँ ये कितना ज़्यादा बड़ा है। इसको जोड़ना और खोलना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सेंटर वाला पार्ट मैंने इसका जोड़ दिया है, अब ये वाला पार्ट भी फटाफट तरीके से जोड़ देते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो गाइस, लग रहा है ना एकदम कमाल की चीज़। दिखने में थोड़ा सा डरावना दिखाई देता है, क्योंकि देखो कम्प्लीटली ब्लैक कलर का है। सामने ये इसका हेड है, हेड इसका काफ़ी बड़े साइज़ का है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्रोपेलर्स दिए गए हैं, ये भी कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिखाई देता है। और इसको यूज़ करके हम लोग किसी के भी साथ बहुत ही खतरनाक वाले प्रैंक्स भी कर सकते हैं। तो गाइस अभी इसको मैं पानी के ऊपर चलाने वाला हूँ। अब देखो, इसको मैं जैसे ही पानी के ऊपर रखूंगा, यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक होने लगी है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। जैसे मैं इसको निकालूंगा, लाइट यहाँ से चली जाएगी। इसका सेंसर पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, ये ऑन हो जाता है। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी सही लगी है। अभी इसको चलाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स दिए गए। ओ भाई साहब, देख रहे हो हमारी सबमरीन बोट किस तरीके से चल रही है। अब इसको मैं टर्न करा के लेके आता हूँ इधर। ये टर्न हो चुकी है। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा क्विक टर्न हो रही है। अब देखो, एक और बार टर्न करता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो एक बोट से भी मस्त तरीके से काम कर रही है यार।
मजा आ गया भाई सच में। अब इसका फुटेज भी, रुक जाओ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, देखते हैं इसका कैमरा किस तरीके से काम करता है। यार इसका जो रेंज है ये भी काफी ज्यादा दिया गया है, देख रहे हो गाइस पानी में डूब के चल रही है पूरी तरीके से। नो डाउट ये सबमरीन बोट पानी में तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, अब यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं देखते हैं। नहीं निकल पा रही है यार, क्योंकि इसका नीचे का जो कैमरे का मॉड्यूल है उसके ऊपर ज्यादा बंप दिया गया है, इस वजह से मैं झाड़ियों के ऊपर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहां पर ये फंस रही है। अब इसके कैमरे की क्वालिटी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज सवेरे से ही यहाँ पे बरसात हो रही थी, इस वजह से पानी थोड़ा सा मैला हो चुका है। देखो प्रॉपर तरीके से आपको फुटेज नहीं नजर आएगी, फिर भी थोड़े थोड़े यहाँ पे नीचे की तरफ लकड़ियां पत्थर वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। अगर पानी एकदम क्लियर होता ना गाइस तो आपको फुटेज प्रॉपर तरीके से नजर आ जाती। अब इसके कैमरे की फुटेज चेक करने का एक और तरीका है, घर के अंदर मेरे पास एक पानी का टब है उसके अंदर इसको डालकर टेस्ट करेंगे। ऐसी चीज मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है यार, ये तो लहरों के अंदर से जा रही थी, मजा आ गया गाइस इसको चला के। अब एक काम करते हैं, हमारे पास जितनी चीजें हैं उनको एक बार चलाते हैं। बायोनिक स्नेक को मैं चलाने वाला हूँ पानी के ऊपर, सच में हैरान रह जाओगे इसको देखकर। अभी देखो इसको मैं यहीं से ही फेंक दूंगा इस तरीके से। ये बायोनिक स्नेक भी पूरी तरीके से पानी में डूब के चलता है, हैरें कुछ ज्यादा ही आ रही है ये तालाब के पास। देखो हमारे स्नेक को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पानी के अंदर से जाने में। अब बायोनिक स्नेक हमारा झाड़ियों के पास आ चुका है, देखते हैं यहाँ से किस तरीके से चलता है। यार ये बहुत ही छोटी छोटी जगहों में भी बहुत आराम से चल रहा है, देखो गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा झाड़ियां हैं, झाड़ियों में से भी हमारा बायोनिक स्नेक निकल के आ चुका है मेरे पास। स्टिंगरे फिश को मैं चलाने वाला हूँ, इसको जैसे मैं पानी के ऊपर डालूंगा ये भी ऑन हो जाएगी। ये मैंने इसको पानी के ऊपर रख दिया, ये स्टिंगरे फिश भी बहुत ज्यादा स्मूथली चल सकती है। ये तो बायोनिक स्नेक और अपनी पनडुब्बी से भी बहुत फास्ट तैर रही है, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक है यार। 50 मीटर दूर तक बहुत आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि इसके रिमोट के अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी दी गई है। अभी देखो मैंने दोनों ट्रिगर्स को प्रेस कर रखा है, बहुत ज्यादा फास्ट है ये। स्टिंगरे फिश को भी एक बार झाड़ियों के अंदर चला के देखने वाला हूं मैं। ओह माय गॉड, ये तो यहां पे आकर फंस गई यार। इसका डिजाइन थोड़ा सा कर्वी होने के कारण ऊपर की जो इसके फिन से झाड़ियों से टकरा रहे हैं और ये यहां से निकल नहीं पा रही है, और इसके प्रोपेलर भी नीचे ज्यादा निकल के आ चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता गाइस ये झाड़ियों में बिल्कुल भी चल पाएगी। बाकी अगर आप इसको पानी में चलाते हो तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब ये क्रोकोडाइल को चला के देखते हैं, ये डाल दिया मैंने क्रोकोडाइल को पानी के अंदर। अब इसकी फुल स्पीड में बढ़ा देता हूँ, इसके अंदर दो बहुत ही पावरफुल मोटर्स दी गई और इसकी पूछ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ये क्रोकोडाइल पानी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से तैर सकती है। झाड़ियों में मैं इसको चला ही रहा था, इसका पैर आकर झाड़ियों में फंस गया है, इस वजह से इसको बिल्कुल भी झाड़ियों में नहीं चलाना चाहिए। अब ये 3-in-1 बोट को मैं चलाने वाला हूँ। अरे यार यहाँ पे लहरें इतनी ज्यादा आ रही कि ये बोट ये लहरों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही है। जैसे मैं रख रहा हूँ ये देखो इसका डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कंप्लीटली स्टायरोफोम की बनी हुई है और यहाँ पे एक ड्रोन लगा हुआ है। अब इसको चला के देखते हैं कितनी अच्छी तरीके से चलती है। फिर भी देखो यार नॉट बैड, ठीक ठाक तरीके से चल रही है इतनी ज्यादा लहरों में भी। यहाँ से मैं इसको टर्न करा लेता हूँ, यार ये टर्न नहीं हो रही है। ओके अब टर्न हो चुकी है, ये लहरों में कुछ ज्यादा ही उलझती जा रही है गाइस, इसको चलाना थोड़ा सा मेरे लिए खतरा लग रहा है। पहले मैं रेस कराने वाला हूँ इन दोनों के बीच में, यार लहरें आज कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। ओके रेस को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इस दोनों में से कौन जीतता है। ये लो भाई रेस स्टार्ट हो चुकी है और हमारी सबमरीन बोट की स्पीड देखो गाइस काफी ज्यादा है। इसके पीछे पीछे हमारा स्नेक जा रहा है, देखते हैं स्नेक इसको ओवरटेक कर पाएगा या फिर नहीं। अब यहाँ से दोनों को फटाफट में टर्न कराने वाला हूँ, ये टर्न हो चुकी है, सबमरीन बोट आगे आगे चल रही है गाइस। मेरे को लगता है ये काफी आराम से रेस को जीत ही जाएगी, सबमरीन बोट काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है रेस में। ओके दोस्तों अब देखो इन दोनों के बीच में मैं रेस कराने वाला हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है कम्प्लीटली। ओ भाई बोट काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है यार। अब यहाँ से दोनों को टर्न करा लेते हैं, बोट सच में यार काफी ज्यादा तेज है सबमरीन के मुकाबले में। मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार सबमरीन के लिए, देखो सबमरीन यहाँ पे रेस को हार चुकी है गाइस। अब इन दोनों के बीच में मैं रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। ये लो गाइस रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुके हैं। ओह माय गॉड इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं आगे जाने के लिए, और यहाँ पे स्टिंगरे फिश आगे निकल चुकी है यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा भाई साहब। अब यहाँ से दोनों को मैं टर्न कराने वाला हूँ, अभी भी दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं फटाफट तरीके से। स्टिंगरे फिश टर्न हो चुकी है, स्टिंगरे फिश बोट को धक्का मार के नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रही है, स्टिंगरे फिश के जस्ट थोड़ा सा ही पीछे है। ओ भाई साहब मेरे को लगा था कि वापस से बोट जीतेगी, पर स्टिंगरे फिश यहाँ पे जीत चुकी है। गाइस इन दोनों के बीच में देखो मैंने एक रस्सी बांध दिया है, अब कराते हैं इनके बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। 1 2 3 स्टार्ट। पे तो स्टिंगरे फिश भारी पड़ चुकी है यार,
ये बायोनिक स्नेक के ऊपर देखो कितनी आराम से इसको खींच के लेके जा रही है, और बायोनिक स्नेक यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है इसको। भाई साहब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये स्टिंगरे फिश इतनी खतरनाक सी बायोनिक स्नेक को हरा देगी टग ऑफ वॉर में। अब देखते हैं क्या स्टिंगरे फिश को ये खतरनाक सी क्रोकोडाइल टग ऑफ वॉर में हरा पाएगी या फिर नहीं। ये लड़ाई दोनों के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। स्टिंगरे फिश ने खींच लिया यार फाइनली क्रोकोडाइल को भी। क्रोकोडाइल की हालत देखो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो फाइनली स्टिंगरे फिश ने इन सभी को हरा दिया है टग ऑफ वॉर में। इसकी पावर मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी सबमरीन बोट की स्पीड बहुत अच्छी है और वो पानी के अंदर से एकदम मस्त तरीके से चल रही थी लहरों में, तो यार उसको चलाने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। ये सबमरीन स्टार फिश बोट के कैमरे को और अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए मैंने इसको घर के अंदर टेस्ट किया। यार ये कैमरा तो थोड़ा सा मेरे को क्वालिटी में कम लग रहा है। ये HD में तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि ये 360p में रिकॉर्ड कर रहा है। आपको सभी चीजें प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएंगी, जो भी बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि पत्थर लकड़ियां वकड़ियां ये प्रॉपर तरीके से ये कैमरे से आप देख सकती हो। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सबमरीन बोट कैसी लगी। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है साहिल, दीपांश, दिव्यांश, अमित, नमन, रंजीत, कैफ, अहमद, राजकुमार, क्रुणाल। थैंक यू दोस्तों इतना अच्छा कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।